इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एक तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है और जब आपको ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है तो इंग्लिश का बहुत ही एडवांटेज मिलता है। लेकिन इंग्लिश को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो छोटे और बड़े का भेदभाव होता है, इससे मुझे प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सब समझ गया कि जॉब चाहिए तो इंग्लिश आनी चाहिए और यहीं से ये क्लास डिफरेंस शुरू होने लगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। जिस देश में IVR कॉल पे हिंदी के लिए दो दबाना पड़े, वहां के लोगों का इंग्लिश को लेके ऑब्सेशन आप समझ सकते हैं। काफी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छे से समझ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश बोलने में डरते हैं कि कहीं कोई वर्ड ना गलत हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, सारी की सारी इज्जत खराब हो जाएगी। जबकि बेइज्जती आपकी तब होती है जब आप जिस देश में पैदा हुए हैं वहां की लैंग्वेज भी सही से ना बोल पाए। लोग फ्लाइटों में प्यासे घूम रहे हैं लेकिन एयर हॉस्टेस को नहीं बुला रहे, कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। 10% लोग ही प्रॉपर इंग्लिश बोल पाते हैं और बाकी 90% पॉपुलेशन इस देश की हर रोज कोई ना कोई तरीका लगा के अपनी इज्जत जैसे तैसे बचा रही है कि कहीं कोई हमारी गलत इंग्लिश का मजाक ना उड़ाए। कोई हिंदी में ही यू नो व्हाट ऐड कर रहा है कि एकदम खत्म केस नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें भी आती है।